डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इंडिया को डिजिटल फ्रॉड से बचाने के लिए एक सलूशन निकाला है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एआई कवच के बारे में। नाम तो सुना ही होगा। इस स्टार्टअप की शुरुआत 2023 में प्रत्युषा मेमोरी वेंकटा ने किया है। इंडिया में करंटली 70 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं और कोविड के टाइम में 1 out of 2 लोग विक्टिम बने थे साइबर फ्रॉड के। लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए एआई कवच की शुरुआत हुई। ये एक एआई पावर्ड पेटेंटेड और अवार्ड विनिंग सॉल्यूशन है। एआई कवच फ्रॉडलेंट वेबसाइट्स, फ्रॉडलेंट कॉल्स, फ्रॉडलेंट एप्स, फ्रॉडलेंट मैसेजेस और जो आप सेंसिटिव परमिशंस मांगते हैं उनको डिटेक्ट करता है। 2 महीनों के अंदर ही एआई कवच के 20,000 डाउनलोड्स और 1,500 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। करंटली अभी ये ऐप बंद है और अपने एल्गोरिदम्स पर काम कर रहा है। कंपनी ने बताया है कि ये ऐप कुछ महीनों बाद रीलॉन्च होगा। ये स्टार्टअप शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में आया था और इसमें इन्वेस्ट अमन गुप्ता और पीयूष बंसल ने किया है। दोस्तों, ये थी कहानी एआई कवच की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। बाय, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।